ये मिलेट है ना, ये सही है बिल्कुल। इससे मेरे को कुछ बेनिफिट हुआ है मिलेट से, कि मैं डॉक्टर बीवी चौहान के कहने से मैंने शाम का भोजन था वो 2-3 महीने बंद रखा था बिल्कुल 100%। मैं 100% कच्चे पे आ गया था। पर क्या वो शाम को थोड़ा लेता था, वो भी मैंने बंद कर दिया था। उससे मेरा कुछ ठीक तो हुआ था, लेकिन रात को मेरे को नींद में कुछ दिक्कत सी महसूस होने लगी 1 महीने 2 महीने बाद में, कि अच्छा। नींद जाग आ जाती थी फिर नींद आ जाती जाग जा जाती। फिर मैंने सोचा कि इसका समाधान निकाले। फिर मैंने आपकी जो वीडियो देखी थी ना, वो आपने मिलेट का काफी मतलब दबाव डाल रहे थे, मिलेट अच्छी अच्छी है, तो फिर मैंने सोचा भी मिलेट का प्रयोग करो। और आनंदी माँ है उसका नाम, अच्छा उन्होंने ठीक। एक बार कहा था, हाँ आनंदी माँ है ना, तो हाँ उन्होंने देखिए, कहा अब मैं था समझ कि गया समझ गया। मेरी उनसे बातचीत भी हुई है। जब मैंने इसको शुरू किया था तो जो है वो हाँ पूरी तरह से रॉ पे ही रहते थे, हाँ और फिर वो मुझे फॉलो कर रहे थे उस वक्त, मतलब मेरे चैनल्स को देख रहे थे बराबर। और जो है उनसे फिर मेरी बातचीत भी हुई कि उन्होंने पूछा कि रात को लेना ठीक रहेगा ये, अगर एक टाइम ले। और उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सर्दियों में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये खा सकती हूँ। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं। सो मैं समझ गया कौन है वो। उनसे मेरी बातचीत हो चुकी तो है। आनंदी माँ ने एक वीडियो उन्होंने जाहिर की थी, तो उन्होंने मिलेट का चर्चा की थी, शाम को मिलेट ले सकते हैं। तो फिर मैंने नींद की में कुछ प्रॉब्लम होने शुरू हो गई थी, क्योंकि गहरी नींद जब तक नहीं आती तब तक शरीर सही नहीं रह सकता। फिर मैंने मिलेट शुरू किया था। मिलेट में मैंने फिर थोड़ा 2 दिन बाद में मेरे को कुछ नींद की रात मिली थी, नींद नींद गहरी आने लगी थी। फिर अच्छा। इसमें मैंने मूंग मोठ और बाजरा ये 3-4 सामान मिलके मिलेट में प्रयोग कर ली। इसके बाद में मैंने नींद मेरे को गहरी आने लगी। और फिर कच्चा लेते थे शाम को, तो फ्रेश में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, तभी मैं सुबह उठता ही प्रॉब्लम नहीं होती, पेट अपने आप नेचुरली साफ हो जाता है। और नींद अच्छी आती है उसे जी। शाम को मैं मिलेट प्रयोग करने से नींद गहरी आती है। गहरी नींद लेना जरूरी है। हाँ हाँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सर। नींद अगर अच्छे से नहीं आएगा तो डेफिनेटली सेहत पे तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ हाँ तो आनंदी माँ वैसे कह रही थी भी अगर स्वस्थ है तो कभी कभार ले सकते हो, लेकिन डॉक्टर बीवी चौहान का तो 100% ये उनका सुझाव नहीं, अभी लियो पका, वो तो कहते हैं कच्चा ही लियो। अगर नहीं रह सकते, उनका फिर ये सुझाव था कि अगर नहीं रह सकते हो तो कभी थोड़ा यूज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर है नहीं कि पके हुआ ले हो। वो बात सही है देखिए उनकी, डॉक्टर बीवी वो चौहान की। बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि अगर इंसान के अंदर कोई बीमारी है तो इनिशियली तो उसको 100% रॉ पे ही आना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी है तो 100% रॉ पे ही आना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो है वो मिलेट्स फिर खाना शुरू कर दे, क्योंकि अनाजों में मिलेट सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वोत्तम है। मेरा खुद का भी यही तो अनुभव है। ठीक है। सो मिलेट्स आप देखें, मैं किस तरह से जोर देता हूँ लोगों को कि आप एटलीस्ट, अगर कोई इंसान पूरा दिन नहीं रह पा रहा है तो पूरा दिन तो रो पे रहे ही रहे, ठीक है, फिर रात में एक बार मिलेट्स ले ले अगर नहीं रह पा रहा है। अदरवाइज 24/7 जो है रो पे अगर रह सकता है कोई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकता तो फिर मिलेट्स ले ले। नहीं, इसमें एक और भी है, दूध अगर लेना चाहते हो ना तो मिल्क इसमें है, नारियल का मिल्क आप इसमें निकाल सकते हैं, और सोयाबीन का है, मैंने अभी शुरू किया है सोयाबीन का भी। सोयाबीन का दूध बहुत अच्छा रहता है, अच्छा। इसमें कहता है वो सोयाबीन का दूध भी अच्छा रहता है, पनीर भी निकलता है। आज मैंने घर पे निकाल करके प्रयोग किया था, तो ये भी सोयाबीन का दूध और पनीर है, ये सही रहेगा। आनंदी माँ भी एक बार कह रही थी कि
सोयाबीन का दूध और पनीर सही है, इसमें ले सकते हो। हाँ वो तो इसका सेवन करते रहते हैं, पनीर यहाँ तक कि वो मूंगफली वगैरह भी, मूंगफली भी काफी मात्रा में जो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उनका ही मिल्क के दूध वगैरह निकलता है, उसका पनीर ही बनता है। मैं मूंगफली वाला तो नहीं, मैंने सोयाबीन का आज मैंने प्रयोग किया था। सर ठीक है, फिर डिस्कशन को यहीं हाँ तो समाप्त फिर करते ठीक हैं। है, ओके सर, ओके ओके, बाय जी बाय। भाई।